Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the economics part second, and we are going to discuss about module 3 and 4. तो कल मैंने एक वीडियो डाला था मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 के ऊपर, आपने वो वीडियो देखा होगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए होंगे. तो मॉड्यूल नंबर 1 एंड 2 के बाद अब बारी आती है मॉड्यूल नंबर 3 एंड 4 की. तो अगर हम मॉड्यूल नंबर 3 का ओवरव्यू लें, तो मॉड्यूल नंबर 3 में इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, ये मॉड्यूल का नाम है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इंडस्ट्री के रिलेटेड चीज़ें और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. जैसे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इस चैप्टर में से देर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स. इंडस्ट्री में एक मीडियम एंड स्मॉल स्केल सेक्टर है जो काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रहा है. एक्ट पास किया था इन द ईयर 2006. देर इज ऑल्सो वन मोर एक्ट रिलेटेड विद कॉम्पिटिशन कॉल्ड एज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, विच रिप्लेस द MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969. देर आर अदर पॉइंट्स ऑल्सो सच एज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, उसका मीनिंग, उसका इवोल्यूशन, वो भी आप इस पूरे मॉड्यूल में पढ़ सकते हैं. फिर अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो पोल्यूशन होता है उसके कितने ले टाइप्स है, उसके इफ़ेक्ट्स जो है, उसके उसका मीनिंग ओवरऑल, उसके इफ़ेक्ट्स या उसका कंट्रोल आप किस तरीके से कर सकते हैं. फिर अगर सर्विस की बात करें तो टूरिज्म वाला भी फैक्टर इसमें आ सकता है, टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हेल्थ केयर के ऊपर क्वेश्चन इस ओवरऑल मॉड्यूल में से आपके पेपर में पूछा जा सकता है. तो अगर हम इस मॉड्यूल को प्रॉपरली देखें तो इस मॉड्यूल में तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. One will be on the industry, that is pollution related. One will be on the policy measure, जैसे competition act के ऊपर question आ सकता है, या फिर disinvestment के ऊपर question आ सकता है. Competition act ध्यान से पढ़े और medium and small scale sector को ध्यान से पढ़े, वहाँ से question बनने के chances बढ़ जाएंगे. फिर industrial pollution के ऊपर एक question पूछा जाएगा, और दूसरा एक question health care, उसके tourism से related point, या recent trends या role, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो सर्विस सेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. मतलब थ्री पार्ट्स में ये मॉड्यूल नंबर 3 डिवाइडेड है. हम कल जैसे इसके बारे में भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और आज मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस करवाऊंगा कि जो आपके हर मॉड्यूल से शॉर्ट नोट्स पेपर में पूछे जाते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसमें, तो वो भी हम इस ओवरऑल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो मॉड्यूल नंबर 3 में ये तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है. कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के ऊपर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ऊपर, और सर्विस सेक्टर में हेल्थ केयर और टूरिज्म के ऊपर. तो अभी कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, जैसे इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आपके रिलेटेड इंपॉर्टेंट बनते हैं वो है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का एक ओवरव्यू लेके रखें. कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो है वो किस बेस पे फॉर्म हुआ था, कौन सा एक्ट को रिप्लेस किया था, MRTP एक्ट 1969, उस बेस पे आप कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ सकते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज मेशर्स टू प्रमोट MSME सेक्टर्स इन द रिसेंट ईयर्स. MSME इज मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस सेक्टर इन द रिसेंट ईयर्स, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है. नंबर थर्ड है ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर सिंस 1991. तो 1991 हमने कल ही डिस्कस किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, द रिवोल्यूशनरी चेंज टू डील विद द डिप्रेशन, एंड दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है दैट इज रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. अगर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करें तो ओवरऑल अगर आपने उसका एक जनरल ओवरव्यू भी लेके रखा तो आप इजीली इसका आंसर पेपर में लिख सकोगे. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पढ़ना है. एंड नंबर फिफ्थ जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ग्रोथ इन हेल्थ केयर एंड टूरिज्म. तो टूरिज्म में ग्रोथ या हेल्थ केयर में ग्रोथ जो हुआ है उसका भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है. नेक्स्ट बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 के बारे में, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट. तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बनता है, बिकॉज इस पूरे मॉड्यूल में आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर, और दूसरा है आपका फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर. तो डायरेक्टली क्वेश्चंस के बारे में ही बात करते हैं. नंबर 1 है चैलेंजेस इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. तो
चैलेंजेस इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ध्यान से पढ़ के रखे, बिकॉज आपने देखा होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं बैंक्स में। पब्लिक सेक्टर बैंक 27 से सीधा 12 कर दिया है, तो उस बेस पे चैलेंजेस इन द बैंकिंग आपके रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको ध्यान से पढ़ना है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछना जा सकता है, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी पढ़ के रखें। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन द कैपिटल मार्केट, तो रोल ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन द कैपिटल मार्केट। नंबर फोर्थ है नाबार्ड, नाबार्ड मैंने कल भी बताया था आपको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नंबर फिफ्थ है रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट, तो रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट भी आपको पढ़ के रखना है, दैट विल बी रिलेटेड विद दी कैपिटल मार्केट एज कंसर्न। तो इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि बैंकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन, इंश्योरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन, और कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर एक क्वेश्चन, या फिर बैंकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन और कैपिटल मार्केट के ऊपर दो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कैपिटल मार्केट से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आ सकता है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आएगा, और उसका सेबी पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हियर आर सम शॉर्ट नोट्स विच कैन बी इंपॉर्टेंट और विच कैन बी एक्सपेक्टेड। बेसिकली इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला है एलपीजी का कंसेप्ट पढ़ना है, ताकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कुछ भी आ जाए तो आपको पेपर में लिखने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होना चाहिए। नंबर सेकंड इज मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया पढ़ के रखे, बिकॉज मैंने कल भी डिस्कस किया था मेक इन इंडिया के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज इश्यूज एंड चैलेंजेस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज मेजर्स टू प्रमोट एजुकेशन एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। नेक्स्ट पार्ट इज एग्रीकल्चर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट इसके ऊपर भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको इतने सारे शॉर्ट नोट्स के ऊपर फोकस करना है, इतने सारे शॉर्ट नोट्स को ध्यान से पढ़े और एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे तो हमारे मॉड्यूल वाइज जो बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी की सारी कवर होगी। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी इससे रिलेटेड बेनिफिट मिल पाए। एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर। थैंक यू।